हरिओम श्री राम अम्बज्ञ। मेरा नाम कांचन वीरा संदीप सिंह मोरे। 2003 से मैं बापू के पास हूँ। अभी शादी के बाद मैं मलेशिया में सेटल हो गई। अब मैं जो आपको अनुभव बताने वाली हूँ वो मुझे 2013 का अनुभव है, जो मेरे शादी का पहले का था। तो कांचन वीरा गाड़े का वो अनुभव है, ऐसे मैं कहना चाहूँगी यहाँ पे। मैं नासिक से बिलोंग करती हूँ और तब 2013 को, मतलब 2003 में बापू ने मुझे अपने पास लिया था और 2013 में गुण संकीर्तन का क्लास हो रहा था मुंबई में और उस बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो नासिक से मैं अकेली थी जिसका ये सिलेक्शन हुआ था और मैं क्लासेस को आने लगी। तो नासिक से आई थी तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं अभी आए तो ऐसे गुरुक्षेत्र में जाएंगे और रात का पठन भी करके घर पे जाएंगे ऐसे। तो वो लगातार 6 दिन का क्लास था और यहाँ पे ठाणे में मेरे कज़न के पास में रुकी हुई थी। तो उस दिन मेरा क्लास कुछ तकरीबन 9:15 बजे छूटा और लेट हो गया। तो मैं घर पे बताना, मतलब घर के बता पे आई थी मैं कि मैं क्लास छूटने के बाद मैं पठन को जाऊंगी, लेकिन क्लास मतलब देर से छूटा, लेट से छूटा, तो मैंने घर पे फ़ोन ही नहीं किया था। तो उस दौरान मैं रिक्शा ऑटो के लिए मैं वेट कर रही थी कि मैं ऑटो पकड़ूंगी और जाऊंगी। उसी तकरीबन मेरे मतलब फ़ोन आ गया मेरे बहन की बेटी का कि मासी आप कहाँ हो, आपका क्लास छूट गया क्या? मैंने बोला हाँ बेटा छूट गया, अभी मैं गुरुक्षेत्रम के लिए निकल रही हूँ, ऑटो ले रही हूँ। और वो बातचीत करते करते मैंने ऑटो ले ली और ऑटो में लेने के बाद मैं मुझे रियलाइज़ हुआ कि अरे ये ऑटो का मतलब उसने तो ये भी नहीं पहना, यूनिफॉर्म भी नहीं पहना, उसका बिल्ला भी नहीं है और मैं बैठ के ऐसे। तो बांद्रास मतलब हरिगुरु ग्राम से बांद्रा स्टेशन जाने के लिए ऐसे 2 रास्ते, एक फ्लाईओवर से होके जाता है और एक फ्लाईओवर के नीचे से जाता है। तो मैं मुंबई से बिलोंग नहीं करती तो मुझे फ्लाईओवर का जो रास्ता था तो वो मुझे बहुत अच्छे तरह से मतलब मैंने पढ़ के रखा था, रट के रखा था, ये ऐसे जाएंगे ऐसा करेंगे वैसे। तो वो नीचे से उन्होंने रिक्शा ले ली तो मैं कंफ्यूज्ड हो गई कि ये कौन सा नया रास्ते से ये मुझे लेके जा रहा है। तो मैंने उसे बोला भाई साहब आप कहाँ से लेके जा रहे हो मुझे? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बहन जी यहाँ से शॉर्टकट है, मैं आपको छोड़ दूंगा बोल के। तो मैं जा रही थी तो वो एरिया बहुत मतलब वैसे मटन शॉप थे, आजू बाजू में सब मीट शॉप थे। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, अरे ये कौन सा एरिया में इसने ला के छोड़ा है मुझे ऐसे ऐसे, मैं टेंशन में आ गई। और उसने 2 आदमी को उसमें रिक्शा में बैठा, उस तब मुझे इतना गुस्सा आया था। मैंने बोला कि नहीं ये मैंने हायर किया रिक्शा, तो आप किसी को बाय लॉ बिठा नहीं सकते हो, तो आप उनको उतार दो। तो नहीं नहीं मेरे फ्रेंड्स हैं उनको भी वही जाना है तो मैं नहीं उतार सकता उनको। और मैंने गुस्से में आके बोल दिया कि नहीं नहीं अभी मेरे पापा को मैं फ़ोन लगाती हूँ और मेरे पापा आपका बहुत मतलब आपके ऊपर एक्शन लेंगे ऐसे। तो उन्होंने ऐसे मतलब मुझे ऐसे हवा में ऐसे हाँ हाँ कौन है तेरे पापा ऐसे पूछ लिया। और मैंने ठाम मतलब ऐसे बोल दिया उसको कि डॉक्टर अनिरुद्ध धैर्यधर जोशी के मैं बेटी हूँ ऐसे। और वो गाड़ी मतलब उसकी रिक्शा चला रहा था और वो दोनों बैठे हुए थे। तो मैंने बोला कि नहीं कुछ भी होते, मतलब क्या करेंगे तेरे पिताजी? मैंने बोला वो क्या करेंगे पता नहीं लेकिन आपको बहुत पिटेंगे, ये मुझे मालूम है। वो कैसा पिटेंगे, क्यों पिटेंगे वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पिटेंगे ज़रूर क्योंकि आपने लॉ ब्रेक किया ऐसे। मुझे कुछ भी हुआ ना तो मेरे पिताजी आपको छोड़ेंगे नहीं ऐसे मैंने उसको बोल दिया। और उसकी वो ऑटो लेके जा रहा था, वो आगे देख रहा था पीछे देख रहा था, आगे देख रहा था पीछे देख रहा था। और उसके ऑटो इससे मतलब इतने ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे, इधर मैं रिक्शा के बाहर जाऊंगी ऐसे मुझे लग रहा था। तो मैं बोला अरे भैया क्या कर रहे हो, ठीक से रिक्शा तो भी चला। और उसने मतलब थोड़े से ऐसे जर्क लगा के रिक्शे को आगे को लिया और उसने दोनों फ्रेंड को नीचे उतार दिया और हम लोग स्टेशन पहुंच गए। तो मैंने उसको बोला मैं फट से उसे पैसे देते हो, मैं यहाँ से चलते ऐसे मेरा मन में आ रहा था। तो मैंने पैसे निकाले और मैं मतलब उसके मुंह पे फेंकूंगी ऐसे मैंने सोचा और वो मेरे पैरों में गिर गया। नहीं नहीं बहन जी मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती होगी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बोल रहे। तो मैंने बोला क्या बोल रहे हो आप? मैंने वो बोला कि नहीं नहीं मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा, मैंने बहुत गलत किया और मेरे फ्रेंड्स को भी बिठाया, मुझे माफ़ कर दो वैसा कर दो। अनि उसी वक्त मेरा जो लॉकेट था बापू का वो बाहर निकल के आ गया। उसने बोला बापू के फ़ोटो की तरफ लॉकेट के देख के ऊपर वो बोला यही आदमी था जो चेन लेके मेरे रिक्शा के ऊपर मार रहा था, मैं आगे देख रहा था वही खड़ा था, आपके बाजू में वही बैठा था, साइड में भी वही था, इसलिए मेरी रिक्शा इतनी मतलब हिल रही थी, मैं आगे नहीं जा रहा पा रहा था। तो मैंने सिर्फ बोला उसको देखा मेरे पापा का कमाल, मैंने उसको कुछ भी नहीं बोला। और वो बोला नहीं नहीं मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ मुझे माफ़ कर दो। और वैसे मैंने पैसे उसके छोड़ दिया और मैं गुरुक्षेत्रम के लिए निकल गया और मैं गुरुक्षेत्रम के लिए आ गई। मुझे अब जहाँ पे यही कहना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब आप
किसी भी प्रॉब्लम में हो तो भी प्रॉब्लम से बढ़कर हमारे पिता हैं और वो हमारे लिए आते ही आते हैं। तो यही मुझे यहाँ पे कहना है कि बापू का लॉकेट हो, बापू के साथ विश्वास हो, वो हमें पहनना चाहिए, ना कि मतलब हमारी रक्षा के लिए हमें वो पहनना चाहिए, क्योंकि वो ना हो और हमारा विश्वास ना हो तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जिस मतलब विश्वास के साथ मैंने उसको कहा था, नहीं मेरे मेरे पिताजी आएंगे और तेरी पिटाई करेंगे, पिताजी आए और उन्होंने उसकी पिटाई की और अपनी बच्ची की छुटकारा भी उससे करवा दी। यही मुझे कहना। हरिओम श्री राम अम्बद।